लोग आनंद और मस्ती की बात करते हैं, पर आनंद और मस्ती की बात करते साथ ही सर्वप्रथम दिगंबर मुनिराजों की याद आती है। वो ही सच मायने में सच्ची मस्ती कर रहे हैं। केली करें शिव मारग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। ज्ञानी लघु नंदन है, मुनिराज मंजिले भैया हैं, गणधर परमात्मा बड़े भैया हैं और आनंद परमात्मा हमारे पिता हैं। सच मायने में तो आनंद वो ही कर रहे हैं। जैसे घर पे पिता के सिर पर बोझा होता है तो मुस्कुरा भी नहीं पाते, लेकिन उसी समय एक छोटा बच्चा जैसे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं, वो निर्भर खेलता कूदता रहता है। ऐसे ही जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, जिन्हें दुनिया के संबंध में कोई बोझ नहीं, जिन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, ऐसी अलौकिक दशा का नाम है मुनि दशा। मुनि दशा नाम अलौकिक वृत्ति है। आनंद भोगते रहते हैं, आनंद भोगते रहते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें किसी से भय नहीं, जिनको किसी से भय नहीं, अरे निर्भय निर्भय स्वाधीन गुफा में विचरते। ऐसे मस्ती के मौला, ऐसे मस्ती के मालिक हमारे दिगंबर मुनिराज हैं। इसलिए भाई, यदि तुम्हें मस्ती सूझे तो उनकी तरफ देखना, उन जैसा होने की भावना भाना, बात बाकी सब धोखा है। न बाहर कोई मस्ती है, न बाहर कोई प्रसन्नता है। प्रसन्नता मस्ती सब कुछ हमारे दिगंबर मुनिराज के पास है। वे ही मुक्ति की तलहटी में विराजमान है और थोड़े देर में ही मोक्ष जाने वाले हैं, मुक्ति श्री का वरण करने वाले हैं। इसलिए धोखे में मत फंसिए, मुनिराजों को फॉलो करिए। उन जैसा कोई आनंदमयी इस जगत में चलता फिरता तो नहीं है। दो पंक्तियाँ उनके चरणों में समर्पित। आत्मी अनुभवे नितरमन, आत्मी अनुभवे नितरमन, करते सदा मुनिराज हैं, करते सदा मुनिराज हैं। ओ सौम्य मूर्ति शांति मुद्रा, मुक्ति के साम्राज्य हैं। आत्मी अनुभवे नितरमन। आइए प्रभु, हम भी सच्ची मस्ती करें, मस्तों की दुनिया में मस्त हो जाएं। विचारना भाई।